अमीरुद्दीन बॉबी जो वार्ड नंबर 54 के कोऑर्डिनेटर हैं, काउंसलर हैं, ये तीसरी बार काउंसलर बने हैं और फिलहाल इस बार उनका नाम MIC में भी आया है। उसके लिए उन्होंने ये जश्न का, ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम का आयोजन उनकी जीत की खुशी में नहीं है बल्कि 2021 में जो ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव अंतर्गत जो जीती है, ममता बनर्जी की जो जीत हुई है, जो ममता बनर्जी की जो हैट्रिक हुई है, उसके लिए ये जीत की खुशी है। तो इस दौरान अमीरुद्दीन बॉबी का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और तापस राय के अलावा कई बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद थे और अमीरुद्दीन बॉबी के जितने भी लोग हैं उन वो भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और ये प्रोग्राम है जहाँ पर गज़ल वगैरह का भी आयोजन किया गया है, यहाँ पर सिंगिंग का भी आयोजन किया गया है, बहुत तरह के यहाँ पर वार्ड नंबर 54 के जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम आपको बता दें कि आइए अमीरुद्दीन बॉबी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है वो हम सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ हो रहा है। और हमारे साथ वार्ड नंबर 54 के तीसरे बार जीतने वाले अमीरुद्दीन बॉबी साहब मौजूद है। अमीरुद्दीन बॉबी साहब, लोगों ने आप पर तीसरी बार भरोसा जताया है, क्या बोलेंगे आप? लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा पहली कि लोगों ने जो जिस भरोसे में दिया है दीदी को देखकर वोट, इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद रहेगी, मेरी पूरी ये रहेगी कि मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा, जो मैंने वादा किया मैं वादा निभाने का कोशिश करूंगा। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बोलेंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया? ये प्रोग्राम काउंसलर के जीतने का नहीं है, ये प्रोग्राम 2021 में दीदी जब गवर्नमेंट बनाई है उसका ये सेलिब्रेशन है, इसको बनाएं। और ये आज सही मौका है, दस्तूर भी है और हमारे यहाँ एक गज़ल का भी प्रोग्राम रखा है और गेट टुगेदर है, जितने हमारे वर्कर हैं उनका मैंने यहाँ सेलिब्रेशन रखा है, गेट टुगेदर रखा है। आपका नाम MIC में भी शामिल हो गया, आप MIC भी बनने वाले हैं, क्या बोलेंगे आप? मैं शुक्रिया अदा करूँगा पार्टी का, दीदी का और फिराद हकीम साहब का, जो अपने टीम में उन्होंने जोड़ा और मुझको मौका दिया दोबारा MIC बनने का और काम करने का, लोगों के लिए काम करने के लिए। निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो TMC में शामिल होना चाहते हैं, TMC के कैंडिडेट को हराकर। ममता बनर्जी ने हालांकि उनके बारे में कह दिया है कि वो अब TMC में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, आपको क्या लगता है? जो दीदी बोलती हैं मैं उनको फॉलो करता हूं, पार्टी भी उनको फॉलो करते हैं और दीदी का जो कहना है वही उसी पर हम लोग बरकरार हैं। क्या आप लगता है आपको 2024 में क्या होगा? 2024 में दिल्ली जाएंगी दीदी और क्या, मोदी जी का अभी जो हालात है, जो काम नहीं करते सिर्फ वादा करते हैं और दीदी काम करती है, ये साबित हो गया, ये साबित करके मैंने पूरे बंगाल में दीदी ने दिखा दिया, जो उन्होंने वादा किया था वो वादा मुकम्मल कर रही हैं, पूरा कर रही हैं, लोगों का भरोसा जीत रही हैं कि दीदी बोलती है करती है। चलिए, वोट मार्जिन आपका जो बड़ा है क्या बोलेंगे, मार्जिन बड़ा है? मार्जिन बड़ा है, ये पब्लिक का देन है, जो मैंने वादा किया था 2015 में वो काम का वादा, दीदी का वादा। और 54 नंबर वार्ड ने दीदी को देखकर जबरदस्त वोट दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में क्या करेंगे 54 नंबर वार्ड के लिए? और अच्छा से अच्छा हो, मेरी उम्मीद यही है कि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ, लोगों के लिए और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, दीदी का ये निर्देश है, उसके लिए हम लोग पूरे तैयार हैं और इंशाल्लाह करेंगे। काउंसलर भी है, MIC भी है, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के भी सरदार इस्लामिया में भी सिंगल, इतना सब कुछ करके किस तरह मैनेज करते हैं? राज ये है
दीदी का सैनिक है, दीदी जैसे बोलती है हम लोग करते हैं और उनको देख के ही हिम्मत बढ़ता है काम करने का। मैं उनको बोलूंगा कि पार्टी का साथ देकर रहें, बरकरार रखें और इस जोश को 2024 में साबित करके दिखा दें। 54 नंबर वार्ड 26,000 नहीं 30,000 से लीड दिखाए। सुदीप बंदोपाध्याय और भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, हर कदम से कदम हमारे 54 नंबर वार्ड के लिए फंड MP लाइट MLA लाइट फंड जो है वो देते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको इसी तरीके से 54 नंबर वार्ड का भी आवाम का भी हौसला अफजाई होता है और जो काम डेवलपमेंट हो रहा है वो उनका भी बहुत देन है। लॉ कॉलेज के लिए आपने चुनाव से पहले वादा किया था, अब आप जीत चुके हैं, आप क्या बोलेंगे? वो तो वादा है, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी, वो काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अमीरुद्दीन बॉबी साहब थे जिन्होंने तीसरी बार वार्ड काउंसलर वार्ड नंबर 54 से काउंसलर बने हैं और आज बड़ी जीत पर, TMC की बड़ी जीत पर आज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये पद्दो पोखर का मैदान है वार्ड नंबर 54 अंतर्गत, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन हुआ है जिसमें तापस राय, सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे। सुदीप बंदोपाध्याय भी थे, तापस राय भी थे और यहाँ पर गजल का भी प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वार्ड नंबर 54 में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अमीरुद्दीन बॉबी साहब को मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं। तो अमीरुद्दीन बॉबी साहब का भी यही कहना है कि ये जो प्रोग्राम है वो 54 नंबर वार्ड और अमीरुद्दीन बॉबी के जीत की खुशी नहीं है बल्कि 2021 में ममता बनर्जी ने जो हैट्रिक किया है उसकी जीत की खुशी है। फिलहाल आप भी बने रहिए हालात-ए- बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ, दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर से आपके सामने एक नए वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर हो जाएंगे। शुक्रिया। Let's go.